नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अपने पूरे शरीर को गोरा करने के लिए आज की वीडियो में एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने पूरे शरीर को दूध जैसा गोरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसी उपटन के बारे में बताऊंगा और उपटन तैयार करेंगे जिससे कि हम अपने स्किन पर उसको स्क्रब करेंगे, और स्क्रब करने से होगा क्या कि आपकी स्किन का कालापन दूर हो जाएगा और आपका पूरा शरीर दूध जैसा गोरा हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें चाहिए आटा। तो गेहूं का आटा आप ले लीजिए, गेहूं का आटा आप इसमें 1 चम्मच ले लीजिए। अब दोस्तों, दूसरी चीज जो आपको चाहिए, वह आपको चाहिए बेसन। बेसन एक अच्छी तरह उपटन की तरह काम करता है, तो 1 चम्मच आप बेसन की ले लीजिए। तीसरी चीज जो आपको चाहिए, वह आपको चाहिए बेकिंग सोडा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमने गेहूं का आटा जो लिया है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और जो बेसन होता है उसमें मैग्नीशियम और क्लोराइड होते हैं जो कि हमारी स्किन से मृत कोशिकाओं को निकालने का काम करता है, और बेकिंग सोडा हमारी स्किन पर से मैल को फुला देगा और बंद पड़े रोम चित्रों को खोल देगा। दोस्तों, हमने इसमें तीनों चीजें ले ली हैं। अब इसमें लास्ट में हमें चाहिए गुलाब जल। गुलाब जल का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने के लिए किया जाता है। आप कहीं बाहर से आए हैं तो पॉल्यूशन के कारण आपके चेहरे पर धूल मिट्टी जम गई है, तो उसकी मदद से, गुलाब जल की मदद से आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। तो दोस्तों, गुलाब जल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और टोन करता है और हमारी स्किन में नमी प्रदान करता है। अब इन चारों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा ये एक आटा नुमा एक पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। जिस प्रकार आटे का लोई बनाते हैं उसी तरीके से ये तैयार हो जाएगा, और ये एक ऐसा पेस्ट बन के तैयार हो गया है जो कि हमारे पूरे शरीर का, यानी कि हाथ, पैर, गर्दन, कोहनी, घुटने, पीठ, तो पैर और हाथ, इन सभी का कालापन दूर करने के लिए आप इस नुस्खे का प्रयोग करिए। तो दोस्तों, जब आप इसको ऐसे मिक्स हो जाए ये सभी चीजें, तो अब ये एक ऐसा पेस्ट बन के तैयार हो गया जिससे कि आप अपने हाथों पर, पैरों पर आप इसको स्क्रब करना है। दोस्तों, जब आप इसको स्क्रब करेंगे तो आपकी स्किन में थोड़ी चुनचुनाहट और गर्माहट महसूस होगी क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा का प्रयोग किया है। बेकिंग सोडा हमारे स्किन पर से गंदगी को फुला देगा और कालेपन को दूर करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आप ऐसे रगड़ते हुए अपने पूरी बॉडी पर इसको लगा लीजिए। तो नहाने से पहले इसको लगा लीजिए आप अपनी पूरी बॉडी पर, हाथों पर, पैरों पर, गर्दन पर, और इस तरीके से स्क्रब कर लीजिए। तो ऐसा करने से आपके स्किन का कालापन दूर हो जाएगा, रोम छिद्रों में जमा मैल और गंदगी निकल जाएगी और डेड मृत कोशिकाएं निकल जाएंगी और आपकी स्किन पर स्किन ग्लो आ जाएगा। तो दोस्तों, अपनी स्किन पर ग्लो, चमकदार और सुंदर बनाने के लिए आप इस नुस्खे का प्रयोग करिए। तो दोस्तों, जब आपके पूरे बॉडी पर ये पेस्ट इस तरीके से रगड़ते हुए लग जाए तो 15 मिनट तक आप इसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद अपने पूरी बॉडी को साफ कर लीजिए, जहां भी आपने इसको अप्लाई किया, या नहा लीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से आपका पूरा शरीर दूध जैसा गोरा हो जाएगा और आपके स्किन पर जो रेसेस थे, डलनेस थी, वह भी दूर हो जाएगी और आपकी स्किन पर ग्लो आ जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।